दोस्तों आजकल एक यूट्यूबर बनना बहुत आम बात सी हो गई है। हो सकता है आपके घर के आसपास ही बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे। अब ऐसे में खाली में सर्वे हुआ है, सर्वे के मुताबिक यह पता लगा है एक यूट्यूबर और एक सीबीएसई का स्टूडेंट दोनों के स्ट्रेस के बारे में बताया गया है कि एक यूट्यूबर के अंदर ज्यादा स्ट्रेस होता है। यानी कि आप जाकर पूछें एक क्रिएटर से जो अपने चैनल पर एक्टिव है और बहुत अच्छे से वीडियोस बनाता है, काम करता है ईमानदारी के साथ में, तो आप उससे पूछेंगे ना तो उसके अंदर एक ज्यादा स्ट्रेस मिलेगा इन कंपैरिजन सीबीएसई के स्टूडेंट के पास में जो भी स्ट्रेस होता है। आमतौर पर जब सीबीएसई के एग्जाम्स आते थे तो उस दौरान सभी स्टूडेंट्स काफी स्ट्रेस में और परेशान रहते थे अपने एग्जाम्स को लेकर। लेकिन आज के टाइम में उससे ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन एक यूट्यूबर लेता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप एक यूट्यूबर है तो आप मेरी बात समझ सकते हैं। अगर नहीं है तो एक यूट्यूबर से जाकर पूछिए कि वो दिन रात क्या सोचता रहता है। आमतौर पर होता यह है कि एक बंदा जो कहीं जॉब करता है किसी ऑफिस में, वो 8 से 10 घंटे की जॉब करता है तो उसमें इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। लेकिन एक क्रिएटर, वो दिन रात सोते समय भी उसके दिमाग में यही चलता है कि मेरा कल का कंटेंट क्या होगा, या फिर जो बाकी टाइम होता है उस पर एडिट करने के बाद, शूट करने के बाद जो भी उसे टाइम मिलता है उस टाइम में वो रिसर्च करता है। अब वो चाहे टेक चैनल हो या कॉमेडी चैनल हो या फिर कोई मिस्ट्री चैनल हो जानकारी वाला। और मैं ये नहीं कहूंगा कि कॉमेडी की वीडियो बनाना ज्यादा आसान होता है या टैग की वीडियोस बनाना ज्यादा आसान होता है। यार मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, मुझे फाइनली पता लग गया है कि यूट्यूब पर आप कोई सी भी वीडियो बनाते हैं, आपका कोई सा भी कॉन्टेंट होता है, सब मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, सब में प्रॉपर बराबर मेहनत लगती है। तो सारे के सारे मेरे यूट्यूब भाई जो भी हैं वो अपनी मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या हो रहा है, एक गलत फहमी स्टूडेंट्स के बीच में फैल रही है। उन्हें लगता है कि यूट्यूब पर पैसा कमाना बहुत ज्यादा आसान है, मतलब एकदम से आप वीडियो डालेंगे, व्यूज आने लगेंगे, सब्सक्राइबर हो जाएंगे और मतलब नोट हुई बारिश होने लगेगी। यार इतना आसान नहीं है, मतलब वो टाइम नहीं है। अब चला गया यार, मतलब जियो आया, नया नया क्रिएटर कम थे, क्रिएटर बढ़े, उस टाइम पर चैनल चल गए, जिनके चल गए वो सक्सेसफुल हैं, उनमें से भी काफी लोग इतने सक्सेसफुल नहीं है। तो अब रिस्ट्रिक्शन इतनी ज्यादा हो गई है, यूट्यूब की तरफ से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, आपके 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए, आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, तब जाकर आपका चैनल मोनेटाइज होगा और उसके बाद आपकी अर्निंग शुरू होगी। तो चलिए एक बात और बताता हूं मैं आपको, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनका 4000 घंटे का वॉच टाइम कब का कंप्लीट हो गया है और 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर भी उनके हो चुके हैं, किसी किसी के 40,000-50,000 तक सब्सक्राइबर हैं, उनका चैनल भी अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, वो रिव्यू पर चल रहा है। तो वो जमाना नहीं है यार, वो जमाना ही कुछ और था कि आपने आज सोचा चैनल बनाया, वीडियो डाली और ऐड आना शुरू हो गए, अर्निंग शुरू हो गई, इतना आसान नहीं है। मतलब कहना मैं यह चाहता हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपने आसपास यूट्यूबर्स को देखते हैं या किसी भी यूट्यूबर्स की लाइफ के बारे में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो यार अपना एक गोल छोड़कर, जो भी स्टडी में आपने बनाया हुआ उसे छोड़कर यूट्यूब में मत भागो। टाइम है, मैं ये नहीं कहता करो ही मत, मैं डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, सिंपली है अगर आपके पास में टाइम है तो वीडियो बना सकते हो पार्ट टाइम, लेकिन साथ में एजुकेशन, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली रखो। जैसा मैंने कहा कि आप किसी भी एम्प्लॉय को देखें जो किसी ऑफिस में काम करता है, 8 से 10 घंटे की जॉब करता है, 10 घंटे की जॉब फिनिश करिए, अपना घर बार सैलरी उसको मिल जानी है। लेकिन हमारे केस में थोड़ा डिफरेंट होता है, हम पता नहीं हमारी एक वीडियो में एडिट करने में कितना टाइम लगता है, कुछ नहीं पता। कभी कभी ऐसा होता है कि 8 घंटे 10 घंटे 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं, और भुवन वाम की वीडियो जैसे कि आप देखते ही हो तो 15-15 दिन लग जाते हैं एडिट करने में उसको, और उसके बाद एक वीडियो तैयार होता है, स्क्रिप्ट लिखनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेली वीडियोज डालना, टैग चैनल पर डेली वीडियो होनी चाहिए, और अगर आपका कुछ नॉलेज वाला चैनल है जिसमें आप नॉलेज देते हो तो उस पर रिसर्च कंटिन्यू करना होता है, रात रात भर नींद नहीं आती यार, सोते समय भी आप यही सोचते हो कि कंटेंट में क्या होना चाहिए, क्या नया होना चाहिए, और रिसर्च करते रहो तो दिन रात अपना फ़ोन देख रहे हो या फिर इंटरनेट पर रिसर्च कर रहे हो, तो मतलब 24 घंटे आपका दिमाग काम करता रहता है, आप मेंटली रूप से फिट नहीं रह पाते, स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है, तो जो दिखता है वो होता नहीं है। एक्चुअली यूट्यूबर्स के पास जाओ, उसे पूछो, वो बताएंगे कि यार रियल में वो क्या फेस कर रहे होते हैं। हाँ मानता हूँ पैसा है, बहुत अच्छी इनकम होती है इसके अंदर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा टेंशन भी है। तो
मतलब इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से पहले YouTube चैनल चल जाया करते थे, आज बहुत मुश्किल हो गया है। तो अगर आपके पास में टाइम है तो आप YouTube पर वीडियोस बनाएं। मतलब अगर आपको पढ़ना है, पढ़ने में कोई टारगेट बना रखा है, तो मैं कहूँगा कि नहीं, YouTube पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लें और थोड़ा बहुत टाइम लें तो कभी कभार हफ्ते में 10 दिन में एक आध वीडियो डाल दें अपने शौक के लिए। अगर आप YouTube पर पैसा कमाने के लिए ही वीडियो अपलोड करोगे तो कन्फर्म है नहीं चलेगी, होता ही नहीं है यार ऐसा। पैसा के बारे में सोचकर जाओगे वीडियोस अपलोड करोगे तो नहीं होता। आप पूछो जाके यूट्यूबर से, रैंडमली ऐसे ही वीडियो अपलोड कर दिया और धीरे धीरे, मतलब उन्होंने सोचा नहीं था कि हम यूट्यूब से इतनी इनकम कर लेंगे और उनका चैनल चल गया और फिर वो कमाने लगे, बाद में उनसे पैसा भी कमा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और रही मेरी बात, अगर आप मुझसे कहते हो कि भाई तू क्यों नहीं छोड़ देता यूट्यूब, तू भी छोड़ दे अपना पढ़ाई पर ध्यान दे, तो भाई मैं तो हूँ बिल्कुल खाली, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, अब मेरा जो कुछ है फुल टाइम यूट्यूब है, तो इसीलिए मैं यूट्यूब पर काम करता हूँ, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि रिसर्च करने मुझे भी टाइम लगता है, काम ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे पास में 4-5 काम नहीं होते, मुझे पढ़ना भी है, यूट्यूब की वीडियोज़ भी बनाना है और भी कोई काम, सिर्फ यही है, तो इतना मुश्किल नहीं है, मैनेज हो जाता है। आई होप मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, काफ़ी बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, आप हेल्प करें, वो ज़्यादा इसकी तरफ ना भागे YouTube की तरफ, टाइम हो तो ही वीडियो बनाएं, वरना अपनी एजुकेशन का टाइम को निकाल के वीडियो ना बनाएं। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूँ अगली जानकारी में, तब तक के लिए बाय बाय। One.